से सालों पहले एक प्रभु के दास थे जिसका नाम था रेनहार्ड बोंके। रेनहार्ड बोंके जब जवान हुआ करते थे तो उनका बड़ा इच्छा था कि परमेश्वर के लिए पूरे भूमंडल में सुसमाचार सुनाना। परमेश्वर ने उनको एक विजन दिया था अफ्रीका के लिए कि वो उस कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उपयोग करेंगे करके। तो ऐसे जब वो जवान थे तो एक टाइम उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया और उस मीटिंग के लिए वो वहां पे गए। जब वो उस मीटिंग में गए तो तकरीबन 200 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। वो गए, उन्होंने अपना प्रचार किया, जवान थे, उन्होंने अपना बेस्ट प्रचार दिया। प्रचार देने के बाद उनका दिल बड़ा भावुक हो गया, वो बड़े टेंशन में आ गए। उनके साथ रहने वाले मित्र ने उनसे सवाल पूछा कि इतना दुखी क्यों है। तो उसने बोला, ये 200 लोग तो यहां बैठे हैं पर इसके अंदर एक भी जवान नहीं है। बोला, एक भी जवान नहीं, मुझे एक भी जवान इस मीटिंग में क्यों नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला, इसके लिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये लोग सब किसी और जगह पे हैं। तो उसने पूछा, कौन सी जगह पे है। तो उन्होंने बोला कि ये सबके सब आपको डिस्को में मिलेंगे, सबके सब आपको डिस्को में मिलेंगे। तो उसने बोला, मैं देखना चाहता हूं जगह जहां पे इधर के सारे जवान कहां मिलेंगे। तो उसका फ्रेंड उसको उस सिटी से ड्राइव करते हुए एक इंडस्ट्रियल एरिया को पास करते हुए एक बड़े बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है। और जब बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है तो वो जाता है, वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है। तो बिल्डिंग के नीचे ही वो जगह वाइब्रेट हो रहा था। वो ऊपर गया, उस कमरे के अंदर गया। जब वो कमरा खोला तो भयंकर, फ्राइडे का दिन था, भयंकर भीड़ वहां पे इकट्ठी है। लड़का और लड़कियां एक साथ मिलके, जवान वहां पे नाच रहा है इन अश्लील गानों पे, तदनंगी हालत में इन वो गा रहा है, वो नाच रहा है, वो पी रहा है, वो सुट्टा मार रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। रेनहार्ड बोंके उसे देखते हैं और उनका दिल भर आ जाता है। और देखने के बाद वो अपने दोस्त से इस प्रकार से कहते, क्या इस जगह के ओनर से मैं बात कर सकता हूं, क्या तू उसके ओनर को जानता है। तो दोस्त ने कहा, हाँ मैं ओनर को जानता हूं। तो रेनहार्ड बोंके ने कहा, मुझे अभी उससे मिला। उसने बोला, क्यों मिलना है। बोला, मुझे मिला, अभी मुझे उससे मिलना है। तो वो ओनर से मिलने गया, ओनर के साथ सामने खड़े हुए। रेनहार्ड बोंके ने उस ओनर को देखकर बोला, मुझे 5 मिनट चाहिए। बोला, बोला किसका 5 मिनट चाहिए। बोला, वो जो डिस्को है आपका, उस डिस्को के अंदर मुझे 5 मिनट बोलने का मौका चाहिए। बोला, वो बंदा हंसा और रेनहार्ड बोंके को देख के कहता, रेनहार्ड आप पागल है क्या, मैं अपने डिस्कोथेक में मैं तुझे 5 मिनट क्यों दूंगा। तो बोला, मुझे 5 मिनट चाहिए क्योंकि मुझे 5 मिनट सुसमाचार का प्रचार करना है। उसने बोला, नहीं दूंगा, यहां से निकल कर चले जा। तो वो निकल के गया, उसका बड़ा मजाक उड़ाया उसने। जब वो निकल के गया, वो वापस मुड़ा और उस ओनर से एक सवाल पूछा। पवित्र आत्मा ने उससे बोला, होली स्पिरिट सेड, बोंके इससे पूछ कि क्या ये सोचता है, ये जो जवान जो इसके पास आते हैं, क्या उनका जिंदगी सही हो जाएगा। तो वापस मुड़ा उसने उस ओनर को देख के पूछा, ये जो व्यक्ति और जितने लड़का लड़की यहां पे आते हैं, क्या आपको लगता है ये नाच और गाना और ये उल्टे सीधे काम करने के बाद इनका जीवन बचा लिया जाएगा, क्या ये सही हो जाएंगे। वो आदमी वहीं खड़ा रहा और वो बोलता, तुझे कैसे पता कि मैं पूरे आज दिन में यही सोच रहा था कि ये जो मेरे पास नाचने गाने और ड्रग्स करने आते हैं, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है, तुझे कैसे पता। रेनहार्ड बोंके ने बताया, जिसने तुझसे बात किया वो मुझसे भी बात करता है, वो पवित्र आत्मा है। उस डिस्कोथेक के ओनर ने कहा, रेनहार्ड आई विल गिव यू 5 मिनट्स, मैं तुझे 5 मिनट दूंगा, लेकिन कल रात मिडनाइट को दूंगा मैं। उसने बोला, ठीक है। आई मीन रेनहार्ड बोंके गया, नेक्स्ट डे का मीटिंग था, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मैं मेन मैसेज प्रचार कर रहा था जो रात को 12 बजे मुझे डिस्कोथेक में देना है। उन्होंने प्रचार किया, सब कुछ खत्म किया, रात को वहां से निकले। निकलने के बाद उस डिस्कोथेक के पास गए, उन्होंने यूजुअली वो फॉर्मल्स में रहते, लेकिन उस दिन उन्होंने थोड़ा सा कैजुअल ड्रेस पहना इन लोगों को पास जाने के लिए।
तो कैजुअल ड्रेस पहनकर तैयार होकर वो उस डिस्कोटेक के बाहर खड़े रहे और चल रहे। परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें छूना ही नहीं, छूना ही नहीं, छूना ही नहीं, छूना ही नहीं, छूना। अब वो सोच रहे परमेश्वर इतना बड़ा मैसेज है, इसको इतना छोटा कैसे करूं, पांच मिनट में क्या प्रचार करूं, वो नहीं समझ आ रहा कैसे बोलूं, क्या बोलूं, किस तरीके से बोलूं। रात के 12 बजते हैं, वीनर बॉन्ग के अंदर घुसते हैं, म्यूजिक कम हो जाता है, एक माइक उनके हाथ में दिया जाता है और वो हमें जब खड़े होते हैं प्रचार करने के लिए, उसी एग्जैक्ट मोमेंट में रेनार्ड बॉन्ग के बोलते हैं, हमें जब मैं पोडियम पे खड़ा हुआ और मुझे नहीं समझ आ रहा पांच मिनट में मैं क्या बोलूं, उस एग्जैक्ट मोमेंट में पवित्र आत्मा वहां पे उतर आता है और पवित्र आत्मा मेरे से कहता है तू अकेला नहीं है, मैं तेरी मदद करने जा रहा हूं। रेनार्ड बॉन्ग के बोलते हैं, वो अपनी गवाही में बोलते हैं, मैंने प्रचार करना शुरू किया, मेरे अगले 5 मिनट मानो 5 घंटे के बराबर थे। अगले 5 मिनट के अंदर मैं देखता हूँ एक लड़का घुटने पे, दूसरा लड़का घुटने पे, तीसरा घुटने पे, चौथा घुटने पे, पांचवा घुटने पे, छठा घुटने पे, सातवा, दसवा, सौवा, 200, 300, 400 घुटने पे आके रो रहे हैं। पवित्र आत्मा ने हर एक भी जवान को नहीं छोड़ा, हर एक जवान को छुआ और हर एक जवान को छूने के बाद उनके दिल को बदल दिया। रेनार्ड बॉन्ग ने जो 5 घंटे में, जो 5 घंटे का नाच था वो 5 मिनट में खुदा ने क्या किया, अपने ताकत को महसूस कराकर वहां पे एक छुटकारा दे दिया। गॉड परमेश्वर का ताकत है। परमेश्वर प्रभु के दास बड़े आनंदित हुए, वो वापस जर्मनी लौट कर चले गए। जब वो वापस जर्मनी लौट कर गए, एक साल बाद फिर से उस सिटी में उन्हें प्रचार करने का मौका मिला। वो वापस आए, यही मित्र उन्हें पिक करने आया। उसने बोला, बॉन्के, देयर इज अ गुड न्यूज, आई वांट टू शो इट टू यू, कुछ मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। रेनार्ड बॉन्के को उसने गाड़ी में बिठाया और बिठाकर वहां से क्या किया, ड्राइव करते हुए ले गए। जब ड्राइव करते हुए ले गए तो वो पहचान गए और उन्हें लगा, ओ माय गॉड, मैं तो ये जगह पहचानता हूं, ये सिटी पहचानता हूँ, सिटी के रास्ते पहचानता हूँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया पहचानता हूँ। वो उसके अंदर से निकले और अंदर से निकले और अंदर से निकले, एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के सामने आ गए। जब वो उस बिल्डिंग के सामने पहुंचे, उसने बोला, कम ऑन, कम आउट रेनहार्ड, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब वो बाहर निकल कर आया, उसने बोला, जरा बिल्डिंग को देखो। उसने बिल्डिंग को देखा, रेनार्ड बॉन्के की आंखों से आंसू। इस बिल्डिंग के बीचों बीच एक बहुत बड़े क्रॉस को लगा दिया गया है, डिस्कोटेक के नाम को हटा दिया गया है। जल्दी से एक लड़का आता है, नीचे दौड़ कर आता है और दौड़ कर आकर रेनार्ड बॉन्के को गले मिलकर कहता है, मुझे पहचाना। उसने बोला, कौन? बोला, मैं वही जो तेरे मीटिंग में था, आज मैं ड्रमर बन गया हूँ। किसी और ने आके बोला, मैं वो जो उस दिन वहां पे डिस्कोटेक में था, आज मैं गिटार बजा रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, सुसमाचार का ताकत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का ताकत, वो जो सुसमाचार बांटा जाएगा, व्यक्ति बदल सकता है और जवान बदल सकता है।